इंदौर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनोखी कवायद की गई। नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने व मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह नवाचार किया गया, जिसके अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में 9 नवंबर को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता रैली के तहत इंदौर में सुबह साइकिल रैली और पैदल मार्च निकाला गया, जिसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीश सिंह सिकरवाल ने बताया कि साइकिल रैली सुबह 7 बजे राजवाड़ा से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी हॉल पर समाप्त हुई। इसी तरह पैदल मार्च का आयोजन सुबह 9 बजे मोती तबेला स्थित मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से किया गया। यह पैदल मार्च मालव कन्या विद्यालय से प्रारंभ होकर बियाबानी तथा विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मालव कन्या विद्यालय पर समाप्त हुआ। आज मतदाता सूची का पब्लिकेशन करके उसमें दावे आपत्ति बुलाए जाएंगे। पुनरीक्षण का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है, तो पुनरीक्षण के कार्य प्रारंभ करने के लिए मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए एक साइकिल रैली आयोजित की गई है। उसके बाद 9 बजे पैदल मार्च मालव कन्या से शुरू किया जाएगा। उसके बाद शाम को सिटी एम्बेसडर्स जो बच्चे हैं, जो कैंपस एम्बेसडर हैं, उनसे बच्चों से चर्चा की जाएगी कि कैसे अपने कॉलेजेस में नए बच्चे जो 18 साल के हो गए उनका नाम जुलाया जाए। उसके बाद एक जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, उसकी एक बैठक होगी और शाम को कलेक्टर साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ये रैली यहाँ से शुरू होकर जेल रोड होते हुए अपने आगे जाके गांधी हॉल पर जाके समाप्त होगी। निर्वाचन आयोग समय समय पर ऐसी कवायद करता रहता है, जिसका असर दिनों दिन बड़े वोटिंग परसेंट से देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।